Welcome to all in my EVS class. How are you students? All are fine? Right. So students, in EVS lesson 1 and 2 is completed, right? Now today we are going to discuss about lesson number 3. So what is our lesson name? Do you know students? Yes. Water, oh water, right? So students, you all know very well about water, right? Water is most important things in our life, right? Without water we can't live, right? Now students, yes, so let's see what is given in our poem. Okay, poem number 3, water, oh water. Water, don't waste water, water is precious. See students, precious means amulya, kimti, right? So pani ko waste mat karo, kyunki pani bahut amulya hai, right? Bahut kimti hai. Water is life, water life hai. Water is precious, water kimti hai. Tip tip tip, oh the water falls. So student, tip tip tip, this is the sound of वाटर ड्रॉप, राइट? जब वाटर ड्रॉप फॉल होता है तो इस टाइप का वॉइस आता है, राइट ना? इस टाइप का साउंड आता है, यस. सो टिप टिप टिप, ओ द वाटर फॉल्स. ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. ओ वाटर इज फॉलिंग एंड दैट टाइम रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर ओवरफ्लोइंग्स. ओवरफ्लोइंग्स मीन्स पानी बढ़ जाता है, राइट ना बेटा? व्हेन इट इज हैपन, यस इट इज हैपन इन द मॉनसून सीजन. यस, जब बहुत बारिश होती है ना, हैवी रेनफॉल होता है, दैट टाइम व्हाट हैपन्स, यस रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर ओवरफ्लोइंग, राइट? उसमें पानी बढ़ जाता है. Waves of ocean gallop like a horse. So waves means what? It means पानी की लहरें, right? Ocean means समुद्र. So waves of ocean gallop like a horse. Gallop means सरपट, तेजी से, like a horse, जैसे horse कैसे तेजी से run करता है बेटा, right? Like this, waves of ocean gallop like a horse. जैसे horse run कर रहा हो वैसे समुद्र की लहरें दिखाई देती है. Don't waste water, water is प्रेसियस. बेटा सो हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत कीमती है. टेकिंग फॉर्म ऑफ आइसबर्ग ऑन हिल टॉप्स. सी स्टूडेंट, आइसबर्ग्स इट मीन्स हिमखंड एंड हिल टॉप्स इट मीन्स पहाड़ी की चोटी, राइट? सो टेकिंग फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स, बॉइल इट, हीट इट, टर्न्स इंटू वेपर, राइट? सो बेटा दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ वाटर, राइट? जब whenever वी हीट द वाटर, सो वाटर इज़ कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है? वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में कन्वर्ट हो जाता है. एंड अगेन जब वो भाप ठंडी होती है, इट मीन्स जो वाटर है वो कूल होता है, तो वो फिर वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में, राइट? सो इस तरह से रेनफॉल होता है. कीपिंग सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग्स, इट मीन्स चलिए स्प्रिंग का सॉन्ग गाए. स्प्रिंग इज द नेम ऑफ द सीजन, राइट? सो स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु, राइट? वसंत ऋतु कब आता है बेटा? फेब्रुआरी एंड मार्च के बीच में. इट मीन्स आफ्टर विंटर स्प्रिंग्स कमिंग, है ना? एंड दैट टाइम व्हाट हैपन, यस ट्रीज, जो ट्रीज होते हैं ना उसमें न्यू लीव्स आते हैं, राइट? वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेसियस, पानी बहुत अमूल्य है, पानी ही जीवन है, राइट बेटा? विदाउट वाटर वी कांट लिव, राइट? गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. वाटर इज गिव द लाइफ टू द प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ट्रीज, है ना? नॉट ओनली अस, वो सिर्फ हमें लाइफ नहीं देता बट वो क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज को भी लाइफ देता है, राइट? विदाउट वाटर दे कांट लिव, है ना? रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, वो हमारे बॉडी में भी है, ठीक है? वाटर हमारे बॉडी में भी है, ठीक है? वी आवर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव. नॉरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, सो इट इज़ ऑल्सो नॉरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, इट मीन्स वो एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी पोषण देता है, राइट? सो विदाउट वाटर एनिमल्स एंड बर्ड्स कांट लिव, राइट? वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेसियस, जल ही जीवन है और अमूल्य है. ड्यूरिंग ड्रॉट देयर इज स्ट्रेस,
ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, राइट। सो जब बारिश नहीं आती तब क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, राइट, एंड पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। जब रेनफॉल होता है ना, सो लैंड बहुत सारे पानी को इकट्ठा कर लेती है, ठीक है, एंड वो वाटर को हम यूज़ करते हैं। बट जब ड्रॉट मीन्स जब बारिश कम होती है या बारिश नहीं पड़ती है, तब ड्रॉट वाली सिचुएशन हो जाती है, सूखा पड़ जाता है एंड पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, हमें पानी नहीं मिलता है। एंड दैट टाइम देयर इज स्ट्रेस, उस समय में हम तनाव महसूस करते हैं, राइट। लाइफ सीम्स टू बी इन पेन, और हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, दर्द भरी हो जाती है ना। वाई बेटा, वाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज विदाउट वाटर वी फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, है ना, हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। यस और नो? वी कांट बाथ, वी कांट ब्रश, वी कांट वॉश अवर क्लोथिस, वी कांट ममा इज कांट मेकिंग फूड विदाउट वाटर, यस। सो वाटर से ही तो ये सारी चीज़ होती है, एंड वाटर नहीं रहेगा तो हम ये सब चीज़ पॉसिबल कर, ये सब चीज़ करना पॉसिबल है नहीं, है ना। ड्यूरिंग फ्लड्स देयर इज थ्रेट एंड फ्राइट, है ना। जब फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़, जब फ्लड होती है तो क्या होता है बेटा, देयर इज थ्रेट, थ्रेट मीन्स खतरा, एंड फ्राइट इट मीन्स भय, है ना। जब बाढ़ आने लगती है तब क्या हो जाता है, वहाँ के लोगों में खतरा, खतरा छा जाता है, देन वो लोग भयभीत हो जाते हैं, भय लगने लगता है, राइट। एंड बेटा ऐसा कब होता है, जब हैवी रेनफॉल होता है, राइट, तब क्या हो जाता है, फ्लड्स इट मीन्स रिवर, पॉन्ड, लेक्स, ओशियन ऑल आर ओवरफ्लोइंग दैट टाइम, राइट, सब में पानी ओवरफ्लो हो जाता है ना, एंड फ्लड आता है, राइट। हाँ, वेल, टैप, हैंड पम्प फिल्ड विथ वाटर, एंड वेल, वेल मीन्स कुआँ, ठीक है, आप सबने कुआँ देखा है ना बेटा, हम विलेज में इसको देखते हैं, राइट। सो पहले के ज़माने में लोग पानी के लिए वेल यूज़ करते थे, राइट। सो वेल, टैप, यू ऑल नो अबाउट टैप, अभी हम सब के हाउस में टैप है, राइट। अ हैंड पम्प, यू नो बेटा अबाउट हैंड पम्प, पहले के ज़माने में लोग पानी के लिए हैंड पम्प यूज़ करते थे, राइट, एंड अभी हम विलेज में हमें ये हैंड पम्प दिखने को मिलता है, राइट। सो ड्यूरिंग फ्लड्स वेल, टैप, हैंड पम्प ऑल आर फिल्ड विथ वाटर, ये सारा पानी से भर जाता है, राइट। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेसियस, जल ही जीवन है, जल अमूल्य है, राइट। सो वी डोंट वेस्ट वाटर, ओके। सो स्टूडेंट, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस पोयम? यस, वी डिड लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, राइट। वाटर इज मोर useful, more important in our life, to survive our life. So we don't waste water, right? हमें पानी को waste नहीं करना चाहिए, okay?